तो कहीं कहीं दोस्ताना लड़ाई होती है और जिसको फ्रेंडली फुटबॉल मैच कहते हैं उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि जो महागठबंधन में पहले जितनी एकजुटता थी उससे ज़्यादा एकजुटता हो गई है और इससे कोई चिंता का विषय नहीं। कहते हैं कि जो महागठबंधन में पहले जितनी एकजुटता थी उससे ज़्यादा एकजुटता हो गई है और इससे कोई चिंता का विषय नहीं। दोनों ने देखिए दोस्ताना झगड़ा तो जैसे मधुबनी की बात आप क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं मधेपुरा में, मधेपुरा में भी तो लोग लड़ रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन उससे थोड़े पर फर्क पड़ रहा है। वहाँ रणीता रंजन की बात है, हम लोग उनके लिए प्रचार भी करेंगे, वो जीतेंगे। उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी है और दोस्ताना झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, हर पार्टियों में लगभग ऐसा हो रहा है, वही बात हमारे यहाँ भी बात हो रही है, तो उससे हम लोग बहुत चिंतित नहीं है। हमारे महागठबंधन की जीत हर जगह, जैसे फर्स्ट फेज में चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसी प्रकार से आज सेकंड सीट में भी पांच सीट का है, यहाँ पर भी हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी है और हम समझते हैं कि जो फर्स्ट फेज में जैसा रिजल्ट होने वाला है वैसे ही सेकंड फेज योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है? देखिए चुनाव आयोग अपना समझे और जो वक्तव्य आए हैं उसको विचार करके जांच करके और उनको स्पष्टीकरण पूछ करके, ये नहीं कि यूनिलैटरली एक्शन ले लें, जैसे मायावती जी ने कहा कि हमसे पूछा भी नहीं गया और एक्शन ले लिया गया, तो ऐसे इस काम से बचना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को पूछ लेना चाहिए। और ये ज़रूर हम कहते हैं किसी को भी आपत्तिजनक किसी के लिए, चाहे महिला हो पुरुष हो पार्टी हो, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए और इसमें अगर कहीं किसी ने कुछ किया है तो जांच के बाद इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, बिना जांचे नहीं करना चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन पर हम लोगों की उंगलियां उठ रही है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के इशारे पर बहुत काम कर रही हो, वैसा काम उनको नहीं करना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है? देखिए चुनाव आयोग अपना समझे और जो वक्तव्य आए हैं उसको विचार करके जांच करके और उनको स्पष्टीकरण पूछ करके, ये नहीं कि यूनिलैटरली एक्शन ले लें, जैसे मायावती जी ने कहा कि हमसे पूछा भी नहीं गया और एक्शन ले लिया गया, तो ऐसे इस काम से बचना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को पूछ लेना चाहिए। और ये ज़रूर हम कहते हैं किसी को भी आपत्तिजनक किसी के लिए, चाहे महिला हो पुरुष हो पार्टी हो, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और इसमें अगर कहीं किसी ने कुछ किया है तो जांच के बाद इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, बिना जांचे नहीं करना चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन पर हम लोगों की उंगलियां उठ रही है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के इशारे पर बहुत काम कर रही हो, वैसा काम उनको नहीं करना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, जीतन राम मांझी लगातार सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है कि फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीतन राम मांझी के इस बयान से एनडीए और महागठबंधन कितना इत्तेफाक रखते हैं, इससे कितना फ़ायदा महागठबंधन को मिलता है या एनडीए को मिलता है। ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मामले भी उलझते जा रहे हैं, पर दोनों ही तरफ से, महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, इनका चुनाव हो चुका है, अब ये एक सीट और बची है जिस पर जीतन राम मांझी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। एक कल के बाद परसों दूसरे चरण का चुनाव बिहार में होगा। हम आग्रह करते हैं बिहार की जनता और देश की जनता से कि आप अपना मत जरूर प्रयोग करें, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। भारत लाइव हर पल पल की खबर आपको सुनाता है, आप जुड़े रहें भारत लाइव और न्यूज बिहार के साथ। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।